तमाम मेरे गर्लफ्रेंड्स को जी समथिंग आर्मी बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे गर्लफ्रेंड्स, इस वक्त जनवरी का जो महीना जारी और सारी है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वेदर है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी मैंने विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग बल्ब्स लगाए हुए हैं, तमाम ही की हेल्थी बुशी है, ग्रोथ है, स्टार्टअप है। और ख़ास तौर पे विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ना तो फ्लावर बर्ड्स आने का सिलसिला शुरू है, बल्कि साथ साथ है फ्लावर्स भी खिलने का सिलसिला अब स्टार्टअप है। पहले तो आप ये खूबसूरत प्यारे से ये आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये लिलेरिया के ये फ्लावर्स हैं, इसे टोरफ्लेक्स फ्लावर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन फ्लावर्स की जो शेप है जैसे स्नैपड्रैगन फ्लावर्स हैं, बेबी स्नैपड्रैगन इसलिए कहते हैं कि स्नैपड्रैगन फ्लावर से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसकी पीछे दुम होती है छोटी सी जो कि स्नैपड्रैगन फ्लावर्स में नहीं होती, वो बड़ा साइज बड़ा सा होता है। जैसा कि आप स्नैपड्रैगन फ्लावर्स देख रही हैं, डॉग फ्लावर्स भी इसे कहते हैं, ये साइज बड़ा सा है लेकिन इसके पीछे है कोई दुम नहीं है, पीछे बैक पे है, इसलिए इसे स्नैपड्रैगन कहते हैं। और उसे टोरफ्लेक्स फ्लावर्स है, लिनेरिया फ्लावर्स कहते हैं। और इसमें मेरे पास 4-5 कलर हैं, मल्टी कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत से होते हैं और फैलने वाला हेल्थी बुशी ये प्लांट है लिनेरिया का। बकायदा मैंने सीड ही के जरिए ग्रो किया है, लास्ट टाइम भी किया था, सीड भी घर ही में सेव किए थे, बकायदा मैंने टैग भी लगाया हुआ है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं नीचे खूबसूरत प्यारे से मल्टी कलर के और फ्लावर्स हैं, ये मैमुलस के ये फ्लावर्स हैं, ये खिलना शुरू हैं, इसमें भी हैं मैमुलस, इसमें भी मैमुलस हैं फ्लावरिंग, ये बर्ड्स बनी हुई हुई हैं मैमुलस में आजकल, और इसमें भी मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं, ये भी सीड ही के जरिए ग्रो किए हैं। इसी तरह ये लव लाइफ ब्रीडिंग पे है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी है रेड रेड कलर के एमरेंथस पे फ्लावर्स खिलने का सिलसिला शुरू है, यहाँ भी हैं, इसी तरह यहाँ भी है लव लाइफ ब्रीडिंग के है, रेड रेड कलर के है, आप देख रहे हैं फ्लावर्स, कैसल फ्लावर्स भी कहते हैं इस पर, ये 10 इंच के पॉट में है, दूसरा ये 7 इंच के पॉट में है, बाकी जितने भी नॉर्मली लगाए हुए मिट्टी के प्लांट्स तमाम मैंने 7-7 इंच के नॉर्मली पॉट में लगाए हुए हैं। और जैसे ये देख रहे हैं कॉलिनेशन भी हेल्थी बुशी है, ग्रोथ है, जा रही है। इधर ये डाइमोर के हैं, ये लगे हुए हैं प्लांट्स हैं, एक एक पौधा है, ये विकारिया हिस्पैनिका के लगे हुए हैं, कॉक बेजल, बड़े प्यारे प्यारे इसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं, जब आएंगे आपको शेयर आउट करेंगे। और ये कैलेंडुला है, ग्लेशियर पे भी है फ्लावरिंग, ये बर्ड्स बनने का सिलसिला स्टार्टअप है, लेकिन अभी फ्लावर्स ब्लूम आउट नहीं हुए, बस उसी का जरा थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, डिपेंड करता है, थोड़ा सा जिल्ड वेदर है। ये खूबसूरत शू ही से आप देखते चले जा रहे हैं, क्राउन डिजीज है, इसमें भी बेतहाशा फ्लावरिंग बर्ड्स बनी हुई हैं और साथ साथ है फ्लावर्स भी खिलने का सिलसिला स्टार्टअप है। तो मेरे घर पर ये आज की मेरी थोड़ी सी वीडियो थी फ्लावर के हवाले से, अपने जितने भी रूफ ऑफ गार्डन में इस वक्त है मेरे जितने भी प्लांट्स हैं लगे हुए हैं तमाम की हेल्थी बुशी ग्रोथ के हवाले से। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की ये वीडियो थोड़े से ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से और फ्लावर के हवाले से भी पसंद आएगी वीडियो। बाय फ्रॉम वाजेश होम किचन गार्डन।